को आप काफी दिनों से देखना चाहते थे कि ये टीम कब एक्शन में आएगी, कब ग्राउंड में उतरेगी। तो जी हाँ, ये टीम है पाकिस्तान की, जो आज वेस्ट इंडीज से मुकाबला कर रही है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच जारी है। पहला वार्म अप मैच है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो बॉलिंग कर रही है। वेस्ट इंडीज के जो कप्तान है कैरन पोलार्ड, उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया है। तो वेस्ट इंडीज का अब तक एक खिलाड़ी भी जो है वो आउट हो चुका है, जो एंड्रे फ्लेचर है वो आउट हो चुके हैं, हसन अली ने उनको बोल्ड किया है। तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी है, तो आज पता चलेगा कि पाकिस्तान इस मैच को जीत पाता है या नहीं। तो ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच है, और पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मैथ्यू हेडन, वो आज से नहीं बल्कि कल से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ चुके हैं। वो अभी मौजूद है पाकिस्तान के डग आउट में और वहां पर मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो ये भी खुशाइन बात है कि मैथ्यू हेडन ने जो है पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो बाबर आजम आज किस तरह टीम को लीड करते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास जिस तरह से खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो अटैक तो करेंगे पाकिस्तानी बॉलरों पर, लेकिन जब ये जो सूरत हाल है मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, तो इस वक्त उनके जो है 12 स्कोर हैं और 3.5 ओवर हो चुके हैं। तो इस वक्त तो उनकी कुछ झलक नहीं नजर आ रही है कि वो किस तरह की पावर हिटिंग करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पाकिस्तान आज अपना पहला वार्म अप मैच खेल रहा है। ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। और उसके बाद जब मैच का अख्तितम होगा तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत।